नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार, आप देख रहे हैं देशदी न्यूज। नागरिक संशोधन एक्ट के समर्थन में राजधानी की पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, वो उतरी हुई है। आखिर मैम, सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आ रही है, किन बातों को लेकर? देखिए, ये जो दिग भ्रमित किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है सीए के प्रति, लोगों को लग रहा है कि एक ऐसे वर्ग के प्रति जो लोगों को लग रहा है कि हमें देश निकाला दे दिया जाएगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मैं, हम लोग सब चीख चीख के कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किसी भी भारतीय को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है इस भारत पर और इस भारत की भूमि पर। किसी को भी यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी को निकाले जाएगा। लेकिन विपक्षी दल जिन्होंने अपनी जमीन खो दी है, उनको अपनी रोटी की जरूरत है और अपनी रोटी के लिए वो आज गरीबों के मन में जो आग फैला रहे हैं और उसी आग से अपनी बुझी हुई आग जिस पर रोटी सेकते थे, आज वो फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारत की जनता भोली भाली है, उनको उतना ज्ञान नहीं हो पा रहा है, या जिनको ज्ञान नहीं है तो उनको भरमाना बहुत आसान रहता है। तो हम देश के जो भारतीय हैं, वो देश की यहाँ पर धरती पर आए हैं और बताना चाहते हैं कि किसी भी भारतीय को यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका मूलभूत अधिकार है इस भारत की धरती पर और उसके हर आवश्यकताओं पर। इसीलिए कृपया करके ये जो सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, उनसे बचिए और सीए के बारे में जानिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत की हर जमीन, हर एक टुकड़ा भारतीयों के लिए है और भारत के निवासियों के लिए। गरीबों में जो एक विद्वेष की भावना जगाई गई है, जो उनको भड़काया गया है, वो आग को बुझाने के लिए आज तमाम जो एनआरसी के समर्थक है वो पटना की सड़कों पर उतरे हैं। वो सीएए को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की मुहिम कर रहे हैं और इस मुहिम को आज जो है वो लेकर के तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग राजधानी पटना की सड़क पर उतर रहे हैं। और देखना होगा कि इस मुहिम को लेकर के राजधानी के पटना के लोगों को ये कहाँ तक जागरूक कर पाते हैं। सहयोगी सोनू के साथ नवनीत कुमार, देशदी न्यूज़।